हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना की लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस मास्क, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपकी स्किन फेयर नहीं है, आपकी स्किन टोन कम हो गया है एंड आपकी त्वचा जो है वो धूप से झुलस गई है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ही अमेजिंग सा एक फेस मास्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना फेस मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट जो कि आपको दिख रहे हैं, जो कि सभी घरों में मिल जाते हैं। अगर रोज़ पेटल आपको नहीं मिलते हैं तो आप मार्केट में जो ऑनलाइन मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बट अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कैरेट ली है, गाजर, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है एंड इसको मैंने छोटे वाले ग्राइंडर में जो है वो डाल दिया है। आप जो है वो गाजर को सबसे पहले धो के और उसका जो ऊपर का पील होता है वो उसको जो है हल्का हल्का सा निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डस्ट वगैरह रहती है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड करने के लिए इसमें ले लिया है एंड जो रोज़ पेटल्स उनको भी अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि जब ये प्लांट में लगी हुई होती हैं तो इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल ले ली हैं पूरा एक। आप देसी वाला जो बड़ा गुलाब होता है वो पूरा एक ले लीजिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। रोज़ पाउडर भी आप इसकी जगह पर ले सकते हैं, रोज़ पेटल पाउडर आता है ना मार्केट वाला, वो भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है अच्छे से ग्राइंड, और अभी जो है ये बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है जैसा कि मैं देख रही हूँ, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका फेस मास्क अभी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है तो आपको भी बस यही थोड़ा सा चेक कर लेना है, और देन आपको इसमें जो मैं एक और इंग्रेडिएंट है वो ऐड करूँगी, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क, और ये बॉयल्ड मिल्क है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। कच्चा दूध डालेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, बट यहाँ पर मेरे पास बॉयल्ड है तो आप बॉयल्ड भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मिल्क मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मिल्क में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है, अगर आप इसमें मिल्क ऐड कर देंगे ना तो आपके फेस पैक के क्या कहने हैं, ये आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क डाल के मैंने इसे जो है दूध डाल के अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेस पैक है वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और फिर भी आपको लग रहा है कि आपका जो मिल्क है वो कम ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें एक चम्मच जो है वो बेसन ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए, या फिर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फेस मास्क बन के रेडी हो चुका है। अब आपको बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आपको पहले फेस वॉश कर लेना है, और फेस वॉश करने के बाद आपको इस मास्क को अपने फेस पे लगाना है, और लगाने के बाद जब आप इसे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, एक घंटा आधा घंटा जैसा आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर जो होता है ना बहुत ही स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें जो है वो अभी हम एक चीज़ और ऐड करेंगे वो है हनी, शहद। शहद अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप शहद जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, बट हनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों सीजन चल रहा है, सर्दियों के मौसम में जो है हनी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। तो हनी मैंने ऐड कर दिया है, और आप चाहें तो इसमें जो है अगर हनी नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स, और आप इसे अपने स्किन पर आप अप्लाई करिए, और इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो एक बार में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी एंड आपकी स्किन जो धूप की वजह से, क्योंकि गाजर जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है इसका, अगर आप कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल आता है अगर आप उसका भी यूज़ करते तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस फेस मास्क को आप बनाइए, यूज़ करिए एंड जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा औसम ये फेस मास्क है कि एक बार के ही यूज़ से आपकी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो नीचे रेड बटन है वो सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड और भी अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।